Assalamualaikum dear friends, I am Maryam Khan and you are watching The Progressive Learning. Today we are talking about classification of mammals part 2. ठीक है, कुछ ऑर्डर्स हमसे रह गए थे जो कि आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. So stay in touch with me. Now we start our 8th order, that is order Sirenia. They are large aquatic herbivores. They have large clumsy body. Their weight is excess of 600 kg. आप उनके वेट से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी बॉडी कितनी बड़ी होती है. ठीक है, ये एक्वेटिक होते हैं, ये पानी के अंदर रहते हैं, लेकिन खाते जो है वो घास और पत्ते वगैरह हैं. ठीक है, ये खाते और इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा अजीब सी होती है, बहुत बड़ी हैवी मैस होता है इनका, बहुत ज़्यादा. ठीक है, गोश्त बहुत ज़्यादा होते हैं इनमें, इनके अंदर. दे आर नियर हेयरलेस. ठीक है, इनकी सरफेस के ऊपर किसी किस्म के कोई बाल नहीं होते. थिक स्किन. ठीक है, मोटी स्किन होती है इनकी. नो एक्सटर्नल ईयर, और कोई भी जो है ईयर इनका नहीं होता जो ज़ाहरी अपीयर हो रहा हो. नो हैंड लिम्स. ठीक है, इनकी हैंड लिम्स भी नहीं होते. ठीक है, इनके पेडल्स होते हैं. ठीक है, इनकी पेडल लाइक जो है वो टांगें होती हैं, मतलब हैंड लिम्स नहीं होती, इनके पेडल्स होते हैं. दे हैव कम्प्लेक्स स्टमक. ठीक है, इनका स्टमक जो होता है वो कम्प्लेक्स होता है. दे हैव हैवी स्केलेटन. इनका स्केलेटन काफ़ी वजनी, काफ़ी भारी और काफ़ी मजबूत हड्डी होती हैं इनकी. अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं तो इसकी एग्जांपल में आ गई मैनाटी. ठीक है, मैनाटी, और इसके अलावा हेलिकोर. हेलिकोर की ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी जो ब्रेथ है उसको 11 मिनट्स तक जो है वो होल्ड करके रख सकता है. इसके अलावा एक इसकी स्पीशी है स्टीलर्स सी काउ. ठीक है, और ये एक्सटेंट हो चुकी है. Now we move toward our next order, that is order Carnivora. They are predatory mammals, mean they are flesh eaters. यानी कि तमाम गोश्त खाने वाले जानवर जो होते हैं वो इस ऑर्डर के अंदर आते हैं. ठीक है, स्मॉल टू लार्ज all predatory mammals belong to order Carnivora. Their claws are well developed. It's mean what? इसका मतलब है कि इनके जो क्लास हैं, इनके जो पंजे हैं वो वेल डेवलप होते हैं. ठीक है, हाईली मॉडिफाइड होते हैं, जिनके ज़रिए ये क्या करते हैं, अपने प्रे को क्या करते हैं, इजीली जो है वो पकड़ लेते हैं और उन पे फीड करते हैं. दे हैव वेल डेवलप कैनाइंस एंड स्मॉल एंसेजर्स. ठीक है, इनके कैनाइंस जो होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कैनाइंस जो होते हैं वो चीरने फाड़ने के लिए यूज़ होते हैं. ठीक है, एनिमल्स को पकड़ के और उसको चीर फाड़ लेते हैं. एंड स्मॉल एंसेजर्स. ठीक है, इनके एंसेजर्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, क्योंकि आपको पता है वो कुतरने के लिए यूज़ होते हैं और ये इतना कुतरने का काम नहीं करते. देयर प्री मोलर्स एंड मोलर्स आर मॉडिफाइड इनटू कार्नेजल एपरेटस. ठीक है, इनका जो मोलर होते हैं और प्री मोलर होते हैं वो कार्नेजल अपरेटस के अंदर डेवलप हुए होते हैं. ठीक है, कार्नेजल अपरेटस जो होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, वो कटिंग के लिए यूज़ होता है. ठीक है, ये गोश्त को चबाने के लिए जो है इन टीज को यूज़ करते हैं. ठीक है, ये टीरिंग के लिए इन टीज को यूज़ नहीं करते. ये कैनाइन को जो है वो टीरिंग के लिए यूज़ करते हैं, जबकि प्री मोलर और मोलर जो होते हैं वो मॉडिफाई होते हैं गोश्त को चबाने के लिए. दे हैव हाईली डिवेलप सेंस ऑफ स्मेल. इनकी सेंस ऑफ स्मेल जो होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जिसकी वजह से ये दूर से ही अपने प्रे को जो है वो इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं. देयर ब्रेन केस आर लार्ज. ठीक है, इनका जो मुंह होता है वो थोड़ा लंबा होता है, इसी वजह से इनका ब्रेन केस भी जो होता है वो लार्ज होता है. अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं तो स्मॉल टू लार्ज ऑल प्रीडेटरी मैमल्स आर बिलोंग टू ऑर्डर कार्निवोरा. ठीक है, सारे के सारे गोश्त खाने वाले जानवर जो हैं वो इस ऑर्डर में आते हैं, जिसमें डॉग, कैट, बियर, लायन, टाइगर्स एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं इसके अंदर आते हैं. नाउ वी स्टडी अवर नेक्स्ट ऑर्डर, दैट इज़ पेरिसोडैक्टाइला. ठीक है, अभी हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं कि इस मैमल्स के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, दे कंटेन और टोड हूफ मैमल्स. ठीक है, और टोड होते हैं. ठीक है, यानी 1 होते हैं, ये 3 होते हैं. ठीक है, 1 या 3 इनके अंदर जो है वो टोड्स प्रेजेंट होते हैं. यूजली एलोंगेटेड स्कल. इनका जो मुंह होता है वो लंबा होता है, जैसे आप लोगों ने हॉर्स का मुंह देखा होगा या जेब्रा का मुंह देखा होगा, तो इनका ऐसे लॉन्ग माउथ होता है. ठीक है, एंसेजर्स आर प्रेजेंट इन बोथ जाज. ठीक है, इनके एंसेजर्स जो होते हैं वो दोनों जो जा होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं. सिंपल स्टमक. इनका स्टमक जो होता है वो सिंपल होता है. Next one is primarily grazers and the last one is large molars and premolars. ठीक है, आपको पता है कि large molars और premolars जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं, chewing के लिए होते हैं, चबाने के लिए होते हैं. तो ये grazers होते हैं, ये घास पे फीड करते हैं, तो जिसकी वजह से इनके molars और premolars होते हैं वो large होते हैं. ठीक है, और इसकी examples के बारे में अब हम स्टडी करते हैं तो इसकी example में क्या क्या आता है, horse आता है, zebra आता है, वाइल्ड एस है, राइनो है और तपीर है। ठीक है, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। और अगर आप इनके फीट को देखें या इनके टोस को देखें तो इनके टो में क्या होते हैं, इनके जो हूव होते हैं उसमें कट होते हैं। ठीक है, और दो टोस जो है वो बने होते हैं, किसी का एक होते हैं और किसी के दो होते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ ऑर्डर आर्टियोडैक्टाइला। ठीक है, आर्टियोडैक्टाइला जो है वो पेरिसोडैक्टाइला की तरह ही होता है, लेकिन ये इसके उलट होता है। ठीक है, उसमें हम और टोड मैमल्स के बारे में पढ़ते हैं, जबकि आर्टियोडैक्टाइला में हम इवन टोड जो है हूफ मैमल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, दे कंटेन इवन नंबर ऑफ टोज। ठीक है, दो या चार। ठीक है, या दो होते हैं या तो चार जो है इनके अंदर टोज होते हैं। एक्सेस ऑफ सपोर्ट पासिस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ टोज। ठीक है, इनका जो थर्ड और फोर्थ टो होते हैं सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट होती है वो यही दो टोज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ एंसेजस एंड केनाइन इज़ लैकिंग इन अपर जास। ठीक है, अपर जा के अंदर जो है वो केनाइन और एंसेजस नहीं होते। प्राइमरली ग्रेजस एंड बर्यूइंग एनिमल। ठीक है, ये भी जो है वो ग्रेज करते हैं। ठीक है, घास वगैरह जो है वो चुगते हैं। फोर चैम्बर्ड हार्ट, इनका बाकी मैमल्स की तरह इनका जो हार्ट होते हैं वो कितना होते हैं, फोर चैम्बर्ड होते हैं। मोलर्स एंड प्री मोलर्स आर फाउंड, क्योंकि ये भी ग्रेजर्स होते हैं, ये भी चबाने का काम करते हैं, तो इसी वजह से मोलर और प्री मोलर इनके अंदर डेवलप होते हैं और पाए जाते हैं। ठीक है, और इनके अंदर एक और फीचर है जो कि पेरिसोडैक्टाइला से मुख्तलिफ है, वो है एंटलर्स एंड हॉर्न्स। ठीक है, अगर आप लोग हॉर्स या जेब्रा को देखें जो कि पेरिसोडैक्टाइला के मेंबर हैं, तो उनके अंदर जो है वो हॉर्न प्रेजेंट नहीं होता, जबकि जो आर्टियोडैक्टाइला के मेंबर्स हैं उनके अंदर क्या होता है, हॉर्न प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर आप लोग शीप या कैटल्स वगैरह को देखें, जिराफ को देखें, तो उसके सर पे क्या होते हैं, छोटे छोटे सींग होते हैं। मारहोर को देख लें, ऑक्स को देख लें, तो इनके सर पे क्या होते हैं, सींग होते हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल्स में क्या क्या आ जाएंगे, इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास पिग आ जाएगा, कैमल आ जाएगा, बहुत सारी कैटल्स आ जाएंगी, शीप्स आ जाएंगी, जिराफ आ जाएगा, डियर आएगा, मारहोर, ऑक्स, काऊ, ये बहुत सारी जो है इसकी एग्जांपल्स हैं। द नेक्स्ट वन इज़ ऑर्डर प्रोबोसिडिया। ठीक है, अगर हम प्रोबोसिडिया के नाम से ही देखें तो उसके नाम से ही जाहिर हो जाता है कि इसके अंदर जो मैमल्स आएंगे उनके क्या फ़ीचर होंगे। ठीक है, प्रोबोसिडिया या प्रोबोसिस। ठीक है, तो दे कंटेन लॉन्ग मस्कुलर प्रोबोसिस। ठीक है, इसके अंदर जो मैमल्स आएंगे उनका क्या होता है, लॉन्ग मस्कुलर प्रोबोसिस होता है। स्कल इज शॉर्ट, इनका जो स्कल होता है वो छोटा होता है। टू एंसेजर्स इज डेवलप इन टस्क ऑन ईच साइड। ठीक है, दो जो दांत होते हैं, जो अपर एंसेजर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, टस्क में डेवलप हो जाते हैं। एलिफेंट तो सब बच्चों ने देखा होगा और आप लोगों ने उसकी सूंड भी देखी होगी, और आप लोगों को ये बात भी पता होगी कि सूंड जो होती है वो एलिफेंट के अलावा और किसी भी मैमल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। तो ये एक डिफरेंट कैरेक्टर है जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर प्रोबोसिडिया के मेंबर्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, बाकी किसी के अंदर भी प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, इसके दो कैरेक्टर्स थे, कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, एक तो ये था कि इसकी लॉन्ग मस्कुलर प्रोबोसिस होता है, और दूसरा क्या था कि इनके अंदर टस्क होता है। ठीक है, इसके दो जो इंसेजर्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं टस्क के अंदर। टस्क इज़ एक्चुअली मैसिव टीथ। ठीक है, ये बड़े बड़े दांत होते हैं। जब मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल बताऊंगी तो आप लोगों को एकदम से समझ आ जाएगी कि हम किसकी बात करें। ठीक है, द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज़ इंडियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट। नाउ वी मूव टुवर्ड आवर लास्ट ऑर्डर, दैट इज़ ऑर्डर प्राइमेटा। ठीक है, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। दे आर प्रिमिटिव मैमल्स, ये सारे जितने भी प्रिमिटिव मैमल्स हैं वो ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर आते हैं। अब हम इसके कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स देखते हैं जो कि सिर्फ इनके मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द वेरी फर्स्ट इज़ फ्रीली मूवेबल लिम्स। ठीक है, इनकी जो लिम्स होती हैं वो क्या होती हैं, फ्रीली मूवेबल होती हैं। द सेकेंड वन इज़ अनस्पेशलाइज टीथ। ठीक है, इनके कुछ स्पेशलाइज टीथ नहीं होते। द थर्ड वन इज़ फर्स्ट डिजिट यूजली अपोजिबल थंग एडोप्टेड फॉर ग्रेस्पिंग। ठीक है, इनके जो एक फर्स्ट डिजिट होता है, ठीक है, जो फर्स्ट जैसे अपना हाथ देख लें तो हमारी जो छोटी उंगली होती है उसके सामने क्या होते हैं, थंब होते हैं। ठीक है, जो किसके लिए होते हैं, चीज़ों को पकड़ने के लिए, चीज़ों को होल्डिंग के लिए होते हैं। तो इन इसके अंदर प्रेजेंट जो मैमल्स हैं उनका भी ऐसी अपोजिबल थंब होते हैं। ठीक है, फर्स्ट डिजिट के अपोजिबल थंब होते हैं जो चीज़ों को पकड़ने के लिए और ग्रेस्पिंग के लिए यूज़ होता है। द नेक्स्ट वन इज़ नेल ऑन डिजिट। ठीक है, इनके जो डिजिट्स होते हैं उनके ऊपर नेल्स होते हैं, बाकी हमने ये करैक्टर किसी भी ऑर्डर के अंदर नहीं पड़ा। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ रिड्यूस नेजल कैविटी। इनकी जो नेज़ल कैविटी होती है वो क्या होती है, छोटी होती है। अगर हम बाकी मेंबर्स को देखें, अगर हम ऑर्डर पेरिसोडिक्टाइला को देखें या आर्टियोडिक्टाइला को देखें, तो उनका माउथ जो होता है वो थोड़ा लंबा होता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से उनकी नेज़ल कैविटी जो होती है वो लॉन्ग होती है। लेकिन जो ऑर्डर प्राइमेटा के मेंबर्स हैं उनकी नेज़ल कैविटी जो होती है वो छोटी सी होती है, जैसे आप लोग अपनी नाक भी देख सकते हैं, छोटी सी, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल्स पढ़ते हैं, ठीक है, आप लोगों को इसकी एग्जांपल्स समझ तो आ गई होंगी, लेकिन हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। द वेरी फर्स्ट इज़ न्यू वर्ल्ड मंकी, नेक्स्ट इज़ ओल्ड वर्ल्ड मंकी, मैन एंड एप्स, ठीक है, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं जो कि ऑर्डर प्राइमेटा के मेंबर्स हैं। नाउ इट्स ओवर फ्रॉम माई साइड, होप सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। अपना ख्याल रखिएगा, मेरी को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।